हे गाइज नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं निलंबित कुंडली धारा मापी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। गाइज आज की टॉपिक बहुत बेहतरीन रहने वाली है। इससे पहले वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आज की लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जाके जरूर देखिएगा गाइज, फिर इस लेक्चर को देखिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और प्रयास रहेगा कि आज की टॉपिक आपको एकदम मक्खन के जैसा क्लियर करके जाए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होती है कि निलंबित कुंडली धारा मापी। आज हम लोग चर्चा करेंगे निलंबित कुंडली धारा मापी, और हमने आपको वाइट बोर्ड पर पहले से ही निलंबित कुंडली धारा मापी बना के रखा है, जिससे टाइम की आपकी क्या हो जाए, बचत हो जाए, और आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जा सके कि निलंबित कुंडली धारा मापी होता क्या है। तो आज की लेक्चर में हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, आज की लेक्चर में सबसे पहले बात करेंगे कि निलंबित कुंडली धारा मापी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। निलंबित कुंडली धारा मापी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, सबसे पहले हम लोग इस पे विचार करेंगे। फिर ये बना कैसे है, अर्थात इसकी क्रिया विधि कैसे है, इसकी संरचना कैसे है, मतलब ये सब जो चीज लगाए गए हैं आखिर ये सब क्या है। तो दूसरी चीज ये संरचना पे बात करेंगे, और तीसरी इसमें जो धारा प्रवाहित होती है या ये जो धारा मापती है इसमें धारा मापेंगे हम लोग, अर्थात इसके लिए धारा का व्यंजक प्राप्त करेंगे। मतलब तीन पार्ट में करके ये पूरी टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि निलंबित कुंडली धारा मापी सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। यह भी एक जो है आपकी किलकित कुंडली धारा मापी के जैसा होता है। वह जो है उससे हम लोग आसानी से माप सकते थे, और ये जो होता है थोड़ा सा इससे जो धारा मापना होता है उसकी तुलना में सुविधाजनक नहीं माना जाता है, और यह उससे ज्यादा सुग्राही होता है। किससे? किलकित कुंडली धारा मापी जो आपने पिछले लेक्चर में देखा है वह यह जो है उससे क्या होता है, अधिक सुग्राही होता है। अर्थात बात करें यह क्या होता है, तो निलंबित कुंडली धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। हमने क्या बताया, निलंबित कुंडली धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी भी परिपथ में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इतनी बातें समझ आई। अब इनके सिद्धांत की बात करने वाले हैं। सबसे पहले इनके सिद्धांत की बात होगी, ध्यान से समझिएगा सिद्धांत क्या होता है, पहले हम आपको समझाते हैं ध्यान से। जब हमने आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाकर, जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाकर उस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो कुंडली अपने अक्ष के परितः क्या करने लगती है, घूर्णन करने लगती है। वो कुंडली पर बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और जिसके कारण वो कुंडली क्या करने लगती है, अपने अक्ष के परितः क्या करने लगती है, घूर्णन करने लगती है। गाइज एक बार पुनः बताने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात ये एक आयताकार कुंडली हो गई, ये ए बी सी डी एक आयताकार कुंडली है जो कि तार के कई फेरे को लपेट कर बनाई जाती है। जब किसी आयताकार कुंडली को दो चुंबक के बीच में रखकर, अर्थात जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उस कुंडली में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, उस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये कुंडली जो है अपने अक्ष के परितः क्या करने लगती है, घूर्णन करने लगती है। क्यों घूर्णन करती है, क्योंकि इस पे बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई गाइज, इतनी बातें अगर समझ में आई होगी तो इसे हम लोग सिद्धांत में लिख लेंगे। यही आपका सिद्धांत है निलंबित कुंडली धारा मापी का। ठीक, ध्यान से अब बात करेंगे संरचना की, आखिर ये कुंडली जो है आपकी बनी कैसे है, ये धारा मापी आपकी बनी कैसे है। तो अब बात करने वाले हैं हम लोग संरचना पे, किस पे बात करने वाले हैं गाइज, संरचना पे।
तो ध्यान से समझिएगा। आइए सबसे पहले उधर समझ लेते हैं कि ये कैसे बनी होती है। सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर की भाग की, अर्थात कुंडली की। सबसे पहले इसकी बात करेंगे कुंडली की, तो ध्यान से समझिएगा क्या होता है, कुंडली कैसे तैयार की जाती है। तो इसमें एक ये जो होता है एक विद्युत रोधी पदार्थ होता है। इसके अंदर का एक भाग होता है विद्युत रोधी पदार्थ होता है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम के तार के कई फेरे लपेट देते हैं। ध्यान से समझिएगा गाइज, आपको मैं पुनः बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो है, जैसे कि ये कोई आयताकार जो है एक विद्युत रोधी पदार्थ रहता है। क्या रहता है? विद्युत रोधी पदार्थ रहता है। इस विद्युत रोधी के ऊपर तार के कई फेरे लपेट कर, तार के कई फेरे क्या कर दिए जाते हैं, लपेट दिए जाते हैं, जिससे क्या बन जाती है, एक आयतकार कुंडली बन जाती है। फिर से बता रहे हैं इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कुंडली कैसे बनता है। एक विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर एल्युमिनियम के तार के कई फेरे को लपेट कर एक आयतकार कुंडली बनाई जाती है। इतनी बात क्लियर हुई। फिर उसके बाद इस आयतकार कुंडली को दो चुंबक के बीच एक तार की सहायता से ये तार किसका बना होता है? फ्रांसपर ब्रांच का बना होता है। तो इस आयतकार कुंडली को दो चुंबक के बीच एक फ्रांसपर ब्रांच तार के सहारे लटकाया जाता है। तो गाइज एक बार बात करते हैं, हमने क्या कहा कि कुंडली कैसे बनती है। एक विद्युत रोधी पदार्थ रहता है, उसके ऊपर एल्युमिनियम के तार के कई फेरे लपेट दिए जाते हैं। तो एक विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर एल्युमिनियम के तार के कई फेरे लपेट कर बनाई गई कुंडली को एक फास्फर ब्रांच के तार के सहारे, ये क्या है, फास्फर ब्रांच का तार है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, फास्फर ब्रांच तार के सहारे इस आयतकार कुंडली को दो चुंबक के बीच लटका दिया जाता है। जिस तार से कुंडली लटकाई जाती है उसी तार के ऊपरे वाले सिरे में एक दर्पण लगा देते हैं। ये यम क्या बता रहा है, यहाँ दर्पण लगा हुआ है, ध्यान से समझिएगा गाइस। एम का मतलब हमने यहाँ क्या बना के रखा है, दर्पण रखा है, ध्यान से। फिर से, जिस तार के सहारे आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई जाती है उसी तार में एक दर्पण लगा दिया जाता है। और ये दर्पण क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसी दर्पण की सहायता से जब आप इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसी दर्पण पर मीटर स्केल लगा रहता है, जिससे हम लोग क्या कर लेते हैं, पाठ्यांक जो है, धारा का पाठ्यांक पढ़ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। फिर इसी दर्पण के ऊपर एक मरोड़ टोपी टी लगा दिया जाता है। इस मरोड़ टोपी टी के सहारे ये दर्पण और ये आयताकार कुंडली इस तार से बंधे रहते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये मरोड़ टोपी टी जो है, ये मरोड़ टोपी जो टी है, वो केवल यहाँ क्या कर रहा है कि इसको इन सब पूरे पथ को, आयताकार कुंडली और दर्पण, ये सारे चीज उसके सहारे क्या हुए हैं, कसे हुए हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर अगर हम लोग नीचे की तरफ आए तो आयताकार कुंडली के जो जिस तार के सहारे वो कुंडली लटकी होती है, उस तार के निचले सिरे में एक स्प्रिंग जोड़ दिया जाता है। अब ये स्प्रिंग का काम क्या करता है, आपने देखा था इससे पिछले वाले लेक्चर में, ये स्प्रिंग क्या करता है, ऐंठन बल उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये कुंडली जो है घूमने का प्रयास तो करती है, पर ये स्प्रिंग इसे घूमने नहीं देता। चलिए फिर से पुनः एक तरफ से फिर से बात करते हैं इनकी संरचना और क्रियाविधि क्या होती है। फिर से देखिएगा, पहले संरचना, एक विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर तार के कई फेरे को लपेट कर कुंडली बनाई जाती है, और इस कुंडली को एक फास्फर ब्रांच तार के सहारे दो चुंबक के ध्रुवों के बीच लटका दिया जाता है। तार के निचले वाले सिरे में स्प्रिंग जोड़ दिया जाता है। स्प्रिंग क्यों जोड़ा जाता है, जिसके कारण ऐंठन बल उत्पन्न हो सके। फिर
उसी तार के ऊपरी वाले सिरे पर एक दर्पण का उपयोग किया जाता है। दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी दर्पण के सहारे जो है जब धारा आप इसमें प्रवाहित करोगे तो जो संकेतांक होगा वो जो है हम लोग इसी दर्पण पे एक क्या लगा रहता है, मीटर स्केल लगा रहता है, जिससे हम लोग धारा का पाठ्यांक पढ़ सकते हैं या नाप सकते हैं। और इसी दर्पण के ऊपर एक मरोड़ टोपी टी लगी रहती है, जिससे ये सारी कुंडली जो है या कह दें ये सारा सिस्टम उस पे उसी के सहारे क्या होता है, लटका होता है। बात क्लियर हुई? अब बातें करते हैं आखिर इससे धारा कैसे मापी जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा, यदि आपको निलंबित कुंडली धारा मापी उपलब्ध करा दिया जाए तो क्या आप उस धारा मापी से धारा माप सकते हैं? ऐसे बना बना मिल जाता है आपको, फिर आपको धारा मापना रहेगा, कैसे मापोगे? ध्यान से समझिएगा कैसे आप धारा को मापते हैं, अच्छे तरीके से समझिएगा। अब क्या होता है जानते हैं आप? ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा कि जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाएगी, जब इस कुंडली में क्या की जाएगी, धारा प्रवाहित की जाएगी, तो धारा प्रवाहित करने के बाद जो इसमें संकेतांक लगे रहेंगे, इसमें जो संकेतांक लगे रहेंगे वो क्या होंगे कि संकेतांक जो लगे रहेंगे तो वो जैसे ही धारा प्रवाहित करोगे वो अपने मध्यमान स्थिति से विक्षेपित होंगे। मध्यमान स्थिति से क्या होंगे, विक्षेपित होंगे। फिर से बता रहे हैं कि जब आप इसमें धारा प्रवाहित होगी, इस आयताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाएगी, तो जो संकेतांक रहेगा वो अपने मध्यमान स्थिति से क्या हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा। और वो जितना विक्षेपित होगा, और यहाँ पर एक स्केल लगा रहता है, मीटर स्केल लगा रहता है, वो अपने मध्यमान स्थिति से जितना विक्षेपित हुआ रहता है उतना वो धारा का वैल्यू आपको बताता रहता है। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार हम लोग धारा को जो है इसकी सहायता से मापते हैं, और यही है इसकी संरचना और यही है इसकी क्रिया विधि। पुनः एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, लास्ट चांस है, इसको लिखना नहीं है, इसलिए इस बार हम लोग समझेंगे और आप लोग लिखिएगा, धीरे धीरे बात करते हैं। हमने क्या कहा, एक विद्युत रोधी पदार्थ होता है, उसके ऊपर एल्युमिनियम के तार के कई फेरे लपेट दिया जाता है तो वो एक कुंडली बन जाती है। ठीक, एक कुंडली बन जाती है, वो कुंडली कौन है, ए बी सी और डी है। ठीक, अब इस कुंडली को दो चुंबक के ध्रुवों के बीच N और S के बीच लटका दिया जाता है, और ये जो चुंबक होते हैं वो काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, तो दो चुंबकों के बीच आयताकार कुंडली को लटकाकर एक फास्फर ब्रांच तार के सहारे इस कुंडली को लटका दिया जाता है। कुंडली इस तार के निचले वाले सिरे में एक स्प्रिंग जोड़ दिया जाता है और ऊपरे वाले सिरे में एक दर्पण लगा दिया जाता है, और जिस दर्पण पे जो है मीटर स्केल लगा रहता है, जिससे हम लोग धारा का मान आसानी से पढ़ सकते हैं और आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और ये सारा तार और ये कुंडली एक मरोड़ टोपी टी के सहारे कसा होता है, टी के सहारे रुका होता है। ये गाइज आपको स्वयं लिखना पड़ेगा, हम इसको नहीं लिख रहे हैं। अब बात करते हैं इससे जो धारा प्रवाहित होती है या इससे जो धारा मापी जाती है वो बात करेंगे। तो चलिए, जब इस ए बी सी डी कुंडली को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे और इसमें धारा प्रवाहित करोगे तो कुंडली पे एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। पहले वो बल आघूर्ण ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे, अब संरचना आप लोग लिख लीजिएगा, संरचना हमने बता दिया है। अब हम क्या बात करेंगे, कुंडली में या इस धारा मापी में प्रवाहित धारा, इसको मूव कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो हमने पढ़ा है बल आघूर्ण टाऊ इक्वल टू होता है एन आई ए बी साइन थीटा, और यहाँ थीटा हमेशा क्या रहता है, 90 अंश रहता है, क्योंकि जो आपकी ये कुंडली है वो हमेशा लंबवत घूमने का प्रयास करती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा, तो एन आई ए बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसी बल आघूर्ण के कारण इस पे एक ऐठन बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, वो क्या होगा, तो लिखेंगे कुंडली पर उत्पन्न ऐठन बल आघूर्ण
टाउ इक्वल टू के थीटा, समीकरण नंबर दो। अब आप बात करोगे कि सर ये थीटा क्या है, के तो वहाँ नियतांक है पर जो थीटा होता है हमने अभी बताया था ना कि संकेतांक लगा रहता है जब धारा प्रवाहित करेंगे तो अपने मध्यमान स्थिति से जितना विक्षेपित होता है तो यहाँ पर एंगल बनता है, मध्यमान स्थिति से जितना विक्षेप हुआ रहेगा तो जितना थीटा होता है वही थीटा वहाँ धारा की माप बताता है तो वही वहाँ पर थीटा है। तो टाउ इक्वल टू कितने हो गए के थीटा। समीकरण एक और दो का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा, तो समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से क्या हो जाएगा एन आई ए बी इक्वल टू के थीटा। यदि मुझे यहाँ से धारा की वैल्यू निकालनी हुई तो एन ए बी को इधर की तरफ कर देंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा के थीटा बटे एन ए बी, क्या हो जाएगा आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आई इक्वल टू कितना हो जाएगा के थीटा अपान एन ए बी। ये हो गए धारा का व्यंजक जहाँ के क्या है एक नियतांक है और एन क्या है फेरों की संख्या है, ए क्या है क्षेत्रफल है, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। यदि हम इनको क्या मान लें, यदि इन्हें क्या मान लें कि यदि जी बराबर हो जाए के अपान एन ए बी, यदि जी बराबर क्या हो जाए के अपान एन ए बी, तो इस इक्वेशन में अगर हम रखें तो ये के अपान एन ए बी किसके बराबर हो जाएगा जी के बराबर होगा, के अपान एन ए बी किसके बराबर होगा जी के, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा जी थीटा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा जी थीटा, जहां जी क्या है गैलनोमीटर नियतांक है, जी क्या है यहाँ गैलनोमीटर, गैलनोमीटर नियतांक है, गैलनोमीटर नियतांक है और थीटा क्या है विक्षेप है, क्या है विक्षेप। ठीक, अब आगे बात करते हैं, अगर हम इस समीकरण को परीक्षण करें अध्ययन करें तो इस समीकरण से आपको क्या मिल रहा है कि गैलनो इस निलंबित कुंडली धारा मापी में प्रवाहित होने वाली धारा आई, निलंबित कुंडली धारा मापी में प्रवाहित होने वाली धारा आई थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, आई प्रोपोर्शनल क्या हो गए थीटा, जी तो नियतांक है जी को हटा देंगे तो आई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल हटता है तो नियतांक लगता है, नियतांक हटता है तो प्रोपोर्शनल लग जाता है, तो यहाँ आई प्रोपोर्शनल क्या हो गया थीटा। अर्थात एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पता चलता है कि इस कुंडली में जो धारा मापना जो धारा मापा जाता है इस यंत्र के द्वारा जो धारा मापा जाता है या इस यंत्र में जो धारा प्रवाहित होती है वो धारा उस विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात संकेतांक जितना ज़्यादा विक्षेपित हो जाएगा इसमें उतनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। ये बात आपको समझ में आया गाइज, ये बातें आपको समझ में आई। अब एक बार पुनः आप जान लीजिएगा कि धारा मापी में प्रवाहित धारा किस प्रकार ज्ञात की जाती है। यदि मान लेते हैं उस ए बी सी डी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं और धारा प्रवाहित करेंगे उस पर बल आघूर्ण लगेगा, वो बल आघूर्ण ये हो गया टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है 90 है तो टाउ इक्वल टू एन आई ए बी, और जैसे ही इस पे बल आघूर्ण उत्पन्न होता है वैसे ही इस कुंडली पर जो एक स्प्रिंग लगी रहती है इस स्प्रिंग के कारण इस पे ऐठन बल उत्पन्न हो जाता है, वो ऐठन बल उस बल आघूर्ण के क्या होता है उस कारण ही उत्पन्न होता है, तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा के थीटा। ठीक, अब यहाँ बात करते हैं समीकरण एक और दो का एक पक्ष बराबर था तो दोनों से हमने कंपेयर किया तो आई इक्वल टू मिला के थीटा अपान एन ए बी, और जहाँ के अपान एन ए बी गैलेनोमीटर नियतांक है तो गैलेनोमीटर नियतांक है तो आई इक्वल टू क्या हो जाएंगे जी थीटा, और ध्यान दीजिएगा ये जी एक नियतांक है तो इसको हम हटाते हैं तो आई प्रोपोर्शनल थीटा हो गया, अर्थात इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जो संकेतांक होता है अपने मध्यमान स्थिति से जितना विक्षेप होता है उतना ज़्यादा धारा प्रवाहित होती है। तो गाइज आज की लेक्चर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताइएगा, और
यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ तो शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।